सिय राम के हनुमत हो सहा लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक राजेश की प्रभु श्री सीताराम। प्रेम से बोले श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। परम श्रद्धास्पद पूज्य चरण डॉक्टर श्री स्वामी श्यामदास जी महाराज, भगवान के अनुग्रह विग्रह श्रद्धे संतजन वंदनीय विद्वज्जन, भगवत चरण कमला अनुरागी बंधुओं, श्रद्धामय माताओं, श्री हनुमान जी महाराज की भावमयी उपस्थिति में उन्हीं की अकारण करुणा और मंगलमयी प्रेरणा से हम लोग भगवत भक्ति भूषण श्री भरत जी की चार चर्चा का चिंतन मनन करें। उसके पूर्व बड़े प्रेम से श्री भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर मस्ती के साथ बोलें। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल उमा सहत जही जपत पुरारी, उमा जय सिया राम, जय जय सिया राम,
रामचरितमानस प्रसाद त्रिपुरारी को जिनकी कृपा सो भई सुमति निहाल है। पूज्य गुरु नर हरिदास की दया को फल शिष्य को सुनायो जिन चरित रसाल है। पावन राजेश प्रभु लीला गुण गायन में ठाम ठाम अंजनी कुमार की संभाल है। मातु जानकी को छोह दाया रघुनाथ जू की तुलसी के लाल की कलम को कमाल है। तुलसी के लाल की कलम को कमाल है। संत शिरोमणि तुलसी के
चरणों में झुका कर माथा गाता हूँ श्री राम आपकी मैं भी गौरव गाथा नाथ आपके गुण गायन की नहीं है मुझ में क्षमता किंतु कहा लेगी बालक से माँ सीता की ममता श्री सीताराम जी महाराज की जय। प्रभु करे कृपा पारी दीनी सादर भरत शीश धरि लीनी कृपा पारी प्रभु करे कृपा करुणाधनी श्री राघवेंद्र ने अपनी चरण पादुका दी। श्री भरत ने आदर पूर्वक प्रभु प्रदत्त पादुका को सिर पर धारण कर लिया। सादर भरत शीश धरि लीनी यह श्री भरत ही कर सकते हैं। भरत जी कैसे हैं? श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि अगर कोई पूछे कि भरत जी कैसे हैं तो उत्तर है कि जैसे भरत जी हैं बस भरत जी वैसे ही हैं। निर्वधि गुण निरुपम पुरुष भरत भरत समझाने भरत जी जैसे भरत जी ही। भरत जी को एक महात्मा ने देखा और वे महात्मा हैं परमार्थ पथ के परम सुजान पथिक तीर्थराज प्रयाग निवासी श्री भरद्वाज जी। उस दृश्य को हम लोग देखें, महात्मा भरद्वाज के आश्रम में उपस्थित हुए श्री भरत जी। भरद्वाज जी के समक्ष श्री भरत नतक ग्रीव होकर बैठे हैं, हाथ जुड़े हैं, नेत्रों से प्रेमाश्रु बरस रहे हैं। श्री भरत सिर ऊपर उठाकर भरद्वाज जी की ओर देखते तक नहीं है। क्यों? मुनि पूछव कछु यह बड़ सोचू
भरत जी को यही संकोच है कि भरद्वाज जी पूछेंगे तुम ही भरत हो, तुम्हारे कारण ही श्री राम जी को वन मिला, मैं क्या उत्तर दूंगा, क्या मैं भरद्वाज जी को मुंह दिखाने लायक भी हूं। सिर झुकाए आंसू बरस रहे, मुनि पूछव कछु यह बड़ सोचो। भरद्वाज जी ने भरत जी की यह भाव मुद्रा देखी तो महात्मा भरद्वाज के नेत्रों से भी आंसू बरसने लगे। बोले ऋषि लखी शील संकोचु, भरत जी का शील और संकोच देखकर भरद्वाज जी बोले भरत संकोच मत करो, हम तुमसे कुछ नहीं पूछेंगे। क्यों नहीं पूछोगे? बोले इसलिए सुनहु भरत हम सब सुधि पाई, हमें पहले ही सब समाचार मिल गया। विधि कर तब पर किछु न हसाई, हमें सब पता है। लेकिन एक बात कहें भरत, हम झूठ नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि प्रायः व्यक्ति अपने मित्र की प्रशंसा में झूठ बोलता है और शत्रु की निंदा करने में झूठ बोलता है, पर यहां ना हमारा कोई मित्र है ना शत्रु है, उदासीन। और फिर हम तपस्वी हैं इसलिए असत्य क्यों बोलें? और चलो लोक व्यवहार में समाज में रहना हो तो शायद झूठ बोलने की स्थिति भी आ जाए। उदासीन तापस बन रहा ही। एक बात मैं कहता हूं, क्या तीर्थराज प्रयाग में मैं यह कह रहा हूं भरत कि मैंने जितनी साधना की है उस साधना का अगर कोई फल मिला तो श्री सीता राम जी लक्ष्मण जी का दर्शन। मैंने तीर्थ में रहकर तीर्थराज में निवास करके जो साधना की, तपस्या का जीवन जिया, उस साधना का फल मिला मुझे भगवान का दर्शन। लेकिन भरत मैं यह कहता हूं कि कोई मुझसे पूछे कि साधना का फल, तो मैं कहूंगा भगवान का दर्शन। और कोई मुझसे पूछे कि भगवान के दर्शन का फल, तो मैं कहूंगा भरत तुम्हारा दर्शन। तुम्हारा दर्शन साधन का फल नहीं है, यह तो फल का फल है। तेही फल कर फल दरस तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा। अच्छा एक बात है, कोई प्रयागराज में पहुंचे तो यात्री का सौभाग्य है कि प्रयागराज का? पर भरद्वाज जी कहते हैं कि प्रयाग का सौभाग्य है जो आप आए। क्यों? क्योंकि भरत तुम कोई यात्री नहीं हो, तुम तीर्थ नहीं हो, तुम तो स्वयं तीर्थराज हो। अगर तीर्थराज भरत जी भी हैं और प्रयाग भी तीर्थराज है तो सौभाग्य कैसा, दोनों समान ही हुए फिर। भरद्वाज जी बोले नहीं अंतर है। क्या? बोले भरत तुम तीर्थराज हो और प्रयाग भी तीर्थराज है, लेकिन एक अंतर है, यह प्रयाग स्थिर तीर्थराज है और तुम चलते फिरते तीर्थराज हो। तो स्थिर प्रयागराज ने जब चलते फिरते प्रयागराज को देखा तो अपना सौभाग्य माना। भरत दर्श देखत खुलेऊ मग लोगन कर भाग, जनु सिंघल वासिन भयउ विधिवश सुलभ प्रयाग। पर भरत जी क्या कहते, रोने लगे। रोते हुए भरत को देखकर भरद्वाज जी ने पूछ ही दिया, भरत क्या तुम अपने बारे में जानते हो, तुम कौन हो, परिचय दो, कौन हो तुम? भरत जी मौन रहे, पर बार बार जब भरद्वाज जी ने कहा कि नहीं नहीं बताओ ना कौन हो, भरत जी ने अत्यंत संकोच पूर्वक कहा कि मैं अयोध्या नरेश महाराज दशरथ का पुत्र हूं।
भरद्वाज जी बोले, भरत यह तुम्हारा सही परिचय नहीं है। तुम अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हो, यह परिचय तुम्हारा सही परिचय नहीं है। भरत जी रोते हुए बोले, महाराज आप ठीक कहते हैं, मैं महाराज दशरथ का बेटा कहलाने लायक नहीं हूं। मैं अयोध्या नरेश महाराज दशरथ का पुत्र होने लायक नहीं हूं। क्यों? बोले महाराज दशरथ वे हैं जिन्होंने राम जी के बिछुड़ते ही बिछुड़त दीन दयाल प्रिय तनु तृण ही वो परिहरे हो। महाराज दशरथ ने राम जी के बिछुड़ते ही अपने तन को तृणवत त्याग दिया। मैं उन प्रेम धनी दशरथ जी का पुत्र कैसे हो सकता हूं? क्योंकि मैं तो राम जी के विरह के बाद अब तक जीवित हूं, इसलिए दशरथ जी का पुत्र होने लायक नहीं हूं। राम जी के बिना मैं जीवित हूं, दशरथ जी का पुत्र भला कैसे हो सकता हूं? क्योंकि भरत जी कहते हैं कि मेरे पिता ने सत्य के पीछे राम जी का त्याग नहीं किया। कई लोग कहते हैं कि सत्य के पीछे राम जी का त्याग कर दिया महाराज दशरथ ने, ना बात दूसरी थी। वचन तोड़ने के लिए तो दशरथ जी तैयार हो गए, कह दूंगा कैकेयी जी से कि मैं वचन तोड़ रहा हूं, इससे क्या होगा? बोले जो वचन देकर वचन भंग कर दे तो अपयस होगा। दशरथ जी इसके लिए तैयार हो गए। अजस हो बरु सुजस दशा अजस हो बरु सुजस नसा नरक परों बरु सुरपुर जाओ अजस हो वचन तोड़ूंगा अपयश मिलेगा, मिल जाए। स्वयं नष्ट होना है हो जाए, नरक मिलेगा मिल जाए, स्वर्ग ना मिले। बोलो तो दशरथ जी सत्य को छोड़ने के लिए तैयार हो गए, वचन तोड़ने के लिए तैयार हो गए। अच्छा अगर तैयार हो ही गए थे तो छोड़ ही देते। यहां तक कहा सब दुख दुसह सहा बहु मोही किंतु लोचन ओट राम जन हो। सारे दुख मिल जाएं पर राम जी मेरे नेत्रों से दूर न जाएं। अगर दशरथ जी वचन तोड़ देते तो राम जी वन न जाते, लेकिन बात वचन की नहीं थी। अस मन गुनई राव नहीं बोला, क्यों? बोले पीपर पात सरिस मन डोला, पीपल के पत्ते की तरह मन डोल गया कि मैं वचन तोड़ भी नहीं सकता। क्यों नहीं तोड़ सकते? सत्य के कारण, अपने अभिमान के कारण। बोले ना ना, फिर समस्या सत्य की नहीं है, बात वचन की नहीं है, बात दूसरी है। दशरथ जी रोने लगे, तेही पर राम शपथ करी आई, मैंने राम जी की सौगंध करके कैकेयी जी को वचन दिया है कि कैकेयी तुम जो मांगोगी वह दूंगा, और अब अगर वचन तोड़ता हूं तो जिसकी सौगंध की है उसका कहीं अमंगल ना हो जाए, इसलिए मैं वचन नहीं तोड़ सकता। तो दशरथ जी ने सत्य के लिए नहीं, राम जी की शपथ के लिए, मैं सत्य छोड़ सकता हूं पर राम की शपथ कैसे तोड़ दूं? भरत जी कहते हैं भरद्वाज जी से कि जिस पिता ने प्राण छोड़ दिए, शरीर छोड़ दिया, लेकिन राम जी की शपथ देकर दिए हुए वचन को नहीं तोड़ा, कि नहीं तो शपथ टूट जाएगी, और शपथ टूटने से कहीं मेरे राम जी का अमंगल ना हो जाए,
सत्य प्रेम जही राम पद। वे सच्चे प्रेमी हैं। आहा, भरत जी कहते हैं ऐसे पिता का मैं पुत्र हूं, यह ठीक ही कहते हैं महाराज। मैं दशरथ जी का पुत्र होने लायक नहीं, अगर दशरथ जी का पुत्र होता तो जैसे दशरथ जी ने राम जी के विरह में प्राण छोड़ दिए, तो मैं तो अभागा अब तक जीवित हूं, तो दशरथ जी का पुत्र कहलाने लायक कैसे हो सकता हूं। ठीक कह रहे हैं आप, ठीक। पर भरद्वाज जी अपने आंखों के आंसू पहुंचते हुए बोले, भरत और कोई बात कहो, और किस रूप में तुम अपने को जानते हो? मैं श्री राघवेंद्र का अनुज सेवक भरत। नहीं नहीं, यह भी तुम्हारा परिचय नहीं, सही परिचय नहीं। भरत जी बोले, हां महाराज ठीक कह रहे हैं, राम जी के मन में राज्य की कोई वासना नहीं, राजीव लोचन राम चले तज बाप को राज बटाऊ के नाई। पर मेरे मन में कहीं ना कहीं राज्य की वासना तो रही होगी, भले ही अवचेतन मन में वह संस्कार रहा हो, अगर वासना न होती तो मुझे जन्म देने वाली माँ मेरे लिए राज्य क्यों मांग लेती? मैं राम जी का भी भैया कहलाने लायक नहीं हूं, लेकिन एक परिचय मेरा बिल्कुल सही है, क्या मैं कैकई माता का बेटा हूं? कैकई का बेटा हूं। जन्म के कई कोख कृपा निधि क्यों कछु चपरी कहोगो, कैकई जी का बेटा हूं। यह तो परिचय बिल्कुल ठीक है महाराज, बिल्कुल ठीक है। भरद्वाज जी बोले, नहीं नहीं भरत, यह भी तुम्हारा परिचय सही नहीं है। अब तो भरत जी चौंके, पर यह संतवाणी है। दशरथ नंदन भरत, यह परिचय सही नहीं। रघुनंदन के अनुज भरत, यह परिचय सही नहीं है। कैकई किशोर भरत, यह परिचय भी सही नहीं है। भरद्वाज जी बोले, मैं तीर्थराज प्रयाग में परम सत्य पूर्वक यह घोषणा कर रहा हूं कि भरत तुम्हारा अगर कोई परिचय है तो केवल एक, क्या? तुम तो भरत मोर मत एहू धरे देह जनु राम सने। भरत तुम दशरथ नंदन नहीं हो, तुम रामानुज नहीं हो, तुम कैकई किशोर नहीं हो, तुम तो साक्षात राम प्रेम हो भरत, प्रेम की मूर्ति हो भरत, राम प्रेम मूर्ति तनु आही। भरद्वाज जी कहते हैं कि मैंने प्रेमी तो देखे और प्रेमास्पद परमात्मा का दर्शन भी किया, लेकिन प्रेम का आज ही दर्शन किया है। भरत तुम तो साक्षात श्री राम प्रेम हो। यह है भरत, तो भरत की कथा तो प्रेम की कथा है, और प्रेम की अभिव्यक्ति वाणी से नहीं आंखों के पानी से हो तो हो। प्रेम स्वरूप है श्री भरत। और भरत जी के जीवन में प्रेम का दर्शन है, प्रेम का प्रदर्शन नहीं। गूढ़ स्नेह भरत मन माही, किसी को पता ही नहीं चलता कि श्री भरत प्रेमी है। बाल्यकाल की एक घटना, अयोध्या नगरी में सरयू जी के किनारे सुरम्य और सुखद स्थल समतल भूमि देखकर श्री राघवेंद्र और उनकी सखा मंडली ने, उनके भाइयों ने गेंद खेलने का निश्चय किया, गेंद का खेल खेलने का निश्चय। लेकिन खेल तभी शुरू होगा जब दो दल बनाए जाएं, बिना दो दल के तो खेल हो ही नहीं सकता। श्री लक्ष्मण जी को लगा कहीं ऐसा ना हो कि भगवान खेल में अपने खिलाफ हमें खड़ा कर दें, क्योंकि लक्ष्मण जी तो खेल में भी प्रभु के खिलाफ नहीं रह सकते।
वे तो श्री राम जी के पास आए कि प्रभु खिलाड़ी बनाना है तो अपनी तरफ रखना, खिलाड़ी बनाना है तो अपनी तरफ रखना, और नहीं तो मैं दर्शक रहूंगा फिर खिलाड़ी नहीं रहूंगा। आहा, भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा आओ मेरे साथ। अब प्रश्न यह है कि सभी राम जी के पक्ष में हो जाएंगे तो विपक्ष में कौन रहेगा, और जब विपक्ष में कोई नहीं रहेगा तो खेल कैसे होगा। भगवान ने कहा कुछ नहीं, केवल एक बार श्री भरत जी की ओर देखा और श्री भरत जी तुरंत विपक्ष में जाकर खड़े हो गए। किसी ने भरत जी से कहा कि श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को अपने पक्ष में रख लिया पर आपको अपने पक्ष में नहीं रखा, आपको इसका दुख नहीं है, परवाह नहीं है? भगवान ने पक्षपात किया है, लक्ष्मण जी को अपने पक्ष में रखा और आपको विपक्ष में, आपको इसकी परवाह नहीं है, दुख नहीं है? श्री भरत जी बोले मुझे इसकी कोई परवाह नहीं कि भगवान पक्ष में रखते हैं या विपक्ष में, मुझे तो एक ही परवाह है, क्या किसी तरह भगवान का खेल पूरा होना चाहिए, चाहे पक्ष में रखें चाहे विपक्ष में रखें। यह है श्री भरत, भगवान का खेल पूरा हो, प्रभु तुम्हारी इच्छा पूरी हो। इसीलिए रघुपति भगति करत कठिनाई, श्याम से दिल को लगाना कोई मजाक नहीं और जीते जी जान से जाना कोई मजाक नहीं। भगवान की भक्ति कैसे, भरत जी से किस, भरत जी से फिर पूछने वाले ने प्रश्न किया, लेकिन एक बात तो है यह आपकी महानता है पर लक्ष्मण जी राम जी के बिल्कुल पास में है और आप तो इतने दूर हैं, ये भड़काने वाले भी तो कम नहीं होते हैं, कब किस तरह किस घटना की व्याख्या करें। का आपको राम जी से दूर रहना पड़ा? श्री भरत जी बोले यह तो अपने अपने देखने का ढंग है, राम जी के पक्ष में जो हैं उन्हें वह लाभ नहीं मिल रहा जो हमें, क्यों? बोले जो श्री राम जी के पक्ष में खड़े हैं वे हमें देख रहे हैं और हम विपक्ष में खड़े हैं तो हम भगवान का दर्शन कर रहे हैं, तो दर्शन का जितना बढ़िया अवसर विपक्ष वालों को मिल रहा है वो पक्ष वालों को नहीं मिल रहा है। यह है श्री भरत, खेल शुरू हुआ। राम लखन एक और भरत गमन लाल एक और सुखद भूमि थल गनी गनी भुइया बाट लए राम लखन एक और भरत गमन लाल एक और भए राम लखन एक और गमन लाल एक तरफ श्री राम जी लक्ष्मण जी, एक तरफ श्री भरत शत्रुघ्न जी, खेल शुरू हुआ। श्री राम जी ने गेंद पर ठोकर लगाई, राम जी ने गेंद पर जोरदार ठोकर लगाई और गेंद लुढ़कता हुआ श्री भरत जी के पास आया। भरत जी को समझना बड़ा कठिन है, श्री भरत जी ने दुगने वेग से गेंद पर ठोकर लगाई, गेंद श्री राम जी के चरणों में पहुंच गया, फिर राम जी ने गेंद को नहीं ठुकराया। फैसला हो गया, भरत जी जीत गए, राम जी हार गए। किसी ने भरत जी से पूछा आपने इतने जोर की गेंद पर ठोकर क्यों लगाई?
क्या आप श्री राम जी से जीतना चाहते थे? भरत जी बोले नहीं नहीं ये बात नहीं है। फिर भरत जी बोले वह गेंद जब मेरी ओर आ रहा था तो मुझे लगा कि यह गेंद कितना अभागा है जो भगवान के चरण को छोड़कर इधर भागा चला आ रहा है, इसीलिए मैंने ठोकर लगाई और मैंने यही कहा कि भगवान के चरण को छोड़कर जो भागे उस पर तो ऐसे जोर की ठोकर लगाना चाहिए कि आइंदा भगवान के चरण को छोड़ना ही भूल जाए और वह यह समझ ले कि भगवान के चरण को छोड़कर जहां जाएंगे वहां ठोकर ही मिलेगी। और श्री राम जी से जब पूछा गया कि आपने गेंद को क्यों नहीं ठुकराया, राम जी बोले वैसे तो मेरी किसी को ठुकराने की आदत नहीं है, लेकिन खेल में शायद मुझे ऐसा करना भी पड़े, लेकिन अब यह गेंद मेरे लिए गेंद नहीं रह गया था। फिर श्री राम बोले भरत ने इस पर ठोकर लगाई ना, हाँ तो बोले यह तो भरत के चरणों से जुड़कर आया है, तो संत अपने चरण से जोड़कर जिसे मेरी शरण में भेज देते हैं उसे भी मैं ठुकरा नहीं पाता हूं, इसलिए भगवान का यह स्वभाव है। लोगों ने कहा कि राम जी हार गए भरत जी जीत गए, पर यह अद्भुत बात है जो हार गए वे प्रसन्न हैं। प्रभु बकसत गज धाम धरणी धन, याचकों को बुला बुलाकर हाथी भवन धन आदि दान करने ले जाओ खुशी में, खुशी में किस खुशी में, जीत की खुशी में। कौन जीत गया है? भरत। किस से? मुझसे। राम जी जैसा स्वभाव कहीं नहीं, लेकिन यह भी सही है कि भरत जी जैसा भाव कहीं नहीं। भरत जी से जब पूछा गया करे आप तो जीत गए और सिर झुकाए बैठे हैं, आंखों में आंसू हैं, क्या बात है? भरत जी बोले मैं जीता नहीं हूं। अरे आपने राम जी को हरा दिया है खेल में। भरत जी बोले यह सही बात नहीं है कि मैंने राम जी को हरा दिया है। फिर भरत जी बोले सही बात तो यह है कि मैंने राम जी को नहीं हराया बल्कि राम जी ने मुझे जिता दिया है। मैं प्रभु कृपा दीत यो ही अब बोलो भरत जी का प्रेम किसे दिखाई पड़ेगा? सब लोग तो यही समझे कि भरत जी भी राम जी के प्रेमी हैं, पर लक्ष्मण जी ज्यादा हैं। वे राम जी के बिना नहीं रह सकते, खेल में भी दूर भरत जी रह लेते हैं, क्योंकि गूढ़ स्नेह भरत मन माही। पर इन भरत जी का प्रेम एक दिन छलक पड़ा जब मिथिला के दूत आए पत्रिका लेकर। खेलत रहे तहां सुधि पाई, श्री भरत आए, पूछते हैं तात कहां ते पाती आई, चिट्ठी कहां से आई है, तो किसके बारे में पूछना चाहते हो? कुशल प्राण प्रिय बंधु दो कहो आहाई केही देश। और
भैया राम जी किस देश में हैं। और इतना कहते कहते भरत जी के आंखों से आंसू बरसने लगे, सुनी स्नेह साने वचन बाची बहुरी नरेश। आहा, एक संत कह रहे थे कि भरत जी का प्रेम एक जगह और दिखाई पड़ा। कहां? जनकपुर में, मिथिला में लोक रीति कर रही थी माताएं, क्योंकि मिथिला वाले तो कहते हैं कि हम राम जी को जो देते हैं वो दुनिया में कोई नहीं दे सकता। अरे भाई तुम क्या देते हो श्री राम जी को? राम जी के तो ऐसे ऐसे भक्त हैं जो उनके लिए तन मन धन प्राण जीवन न्योछावर करते हैं। जनकपुर वाले कहते करते होंगे, लेकिन जो हम देते हैं वो कोई नहीं दे सकता। बोले तुम क्या देते हो? बोले हम तो राम जी को गाली देते हैं। है किसी की हिम्मत जो राम जी को गाली दे? एक सखी ने कहा कि राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। पुरुषोत्तम को गाली कैसी? तो दूसरी सखी बोली कि गाली बिन ससुरारी कैसी। श्री राम जी ज्ञानियों के ब्रह्म हैं, योगियों के ईश्वर हैं, भक्तों के भगवान हैं, पर जनकपुर वालों के तो संबंधी है। एक महात्मा है वो इसी भाव में रहते हैं। एक पुराने समय में संत हुए मामा प्रयागदास जी, वैष्णव परंपरा के बड़े उच्च कोटि के संत। वे श्री जानकी जी को अपनी बहन और राम जी को अपना बहनोई मानते। एक संत ने उनसे कहा कि तुम कौन हो? बोले हम राम जी। एक बार तीर्थराज प्रयाग में गए तो बड़े आराम से खाट बिछाई, खाट पर कपड़े तकिया लगाकर सोए, नीचे मिट्टी का करवा जल से भरा रखा था। किसी ने कहा कि मेले में नहीं गए, यहां क्यों पड़े हो? प्रयागदास जी बोले मतवादी हैं वहां इकट्ठे, हम जाके करें क्या मेलों में? और प्रयागदास श्री राम को लेकर पड़े रहेंगे ढेलों में। किसी ने कहा ढेलों में पड़े हो? कितने आराम से गद्दा तकिया लगाकर सोए हो पलंग पर, और साधु को ऐसे रहना चाहिए? प्रयागदास जी अपनी मस्ती बोले चुप रहो, हम वैसे साधु नहीं है जैसे तुम समझ रहे। बोले फिर? बोले हम साधु ही नहीं है। नहीं हो तो फिर कौन हो? तो हंसते हुए बोले नीम के नीचे खाट बिछी है और खाट के नीचे करवा, और प्रागदास अलमस्ता सोवे राम लला को सरवा। हम तो राम जी के साले। तो पूरब की बोली में साले को सार बोलते हैं। तो किसी ने पूछ दिया कि बाबा आपको और कोई संबंध नहीं मिला राम जी के सेवक बनते सखा बनते, ये सार? तो प्रयागदास जी हंसकर बोले कि हम तो राम जी के ही सार हैं, पर राम जी तो पूरे संसार के सार हैं। या पूरे संसार में राम नाम एक सार, और हमारी संसार को करे हम सारहु के सार। हम तो सार के भी सार। तो प्रेम की तो अद्भुत लीला है। तो जनकपुर में मिथिला की देवियों ने श्री राम जी से विनोद किया, राम जी की जूतियां छिपा कर रख दी, पीला वस्त्र लपेट दिया, एक आसन पर बिठा दिया। अब राम जी से आकर बोली कि हमारे यहां की कुल देवी हैं, इनका पूजन करो। बोली लला इन देवी के लागहु पाए, लला इन देवी लागहु पाए, लागहु पाए लला इन देवी के लागहु पाए। इनको प्रणाम। राम जी बोले पहले इनका परिचय तो दो। सखियां बोली ये हमारी कुल
देवी कहावे, ये हमारी कुल देवी कहावे, रीझत सरल सुभाए, ललायन देवी के लागव पाए, ललायन देवी के लागव पाए। राम जी बोले अवश्य करेंगे, लेकिन यह क्या वस्त्र लिपटा इनके चारों तरफ। हाँ, तो उन्हें पहले इन देवी जी का दर्शन तो हो, तब पूजा करें, वस्त्र हटाओ। सखियां बोली नहीं नहीं ये देवी जी प्रणाम के बाद दर्शन देती है, पहले पूजा करो प्रणाम करो तब दर्शन। राम जी बोले जिसका दर्शन ही नहीं उसको क्या प्रणाम करना है। सखियां बोली तो वस्त्र तो हम नहीं हटा सकती। राम जी बोले तो हम हटाए देते। हाथ बढ़ाया, एक सखी ने संकेत किया दूसरी सखी से कि रोको नहीं बड़ा अनर्थ हो जाएगा, सारा रहस्य खुल जाएगा। तो वो बोली दूरी रहो छुई हो जनी लालन, दूर रहना छूना नहीं, क्यों तुम हो बिना नहाए ललाइन देवी के लागो बिना नहाए हो। लक्ष्मण जी को लगा कि राम जी और बिना नहाए। सखियां बोली नहीं वह मतलब नहीं है, सद्या स्नान करके गीले वस्त्रों से ही इनका स्पर्श किया जाता है। राम जी बोले तो बड़ा झंझट है रहने दो। एक सखी ने कहा कि इनसे ज्यादा मत कहो, ये तो बड़े चतुर चमत्कारी हैं, कहीं कुछ रहस्य जान ना जाए। कहा आप रहने दो। लक्ष्मण जी से कहा कि आप ही देवी जी की पूजा कर दो। लक्ष्मण जी बोले बेकार हमसे कह रहे हो, क्यों? बोले हमारे तो देवी देवता एक ही है बस, माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वम में रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने, हमारे तो सब कुछ राम जी हैं बस, इन्हीं को सी सही सही नहीं हो बस।